ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिज्जा तो बहुत खाया होगा डोमिनोज का, पर आपने सूजी का ब्रेड पिज्जा घर पे बनाकर कभी नहीं खाया होगा। तो आज मेरी मम्मी के मेन्यू में है ब्रेड पिज्जा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना लजीज और टेस्टी ये लग रहा है। जल्दी से आप जानना चाहते हैं ना कि किस तरीके से बनाया है इसे, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो गाइज, सूजी से ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मेरी मम्मी ने यहाँ पे लिया है एक प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्ची ली है, एक टमाटर लिया है और यहाँ पे एक छोटे साइज का शिमला मिर्च लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज की कटोरी में आधी कटोरी आपको सूजी ले लेनी है। अब इस सूजी में हम हमारे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च को मिक्स करेंगे और इसमें हम मलाई का भी यूज करेंगे। तो देखिए, ये हमारे घर की फ्रेश मलाई है जो मेरी मम्मी दूध में से निकाल लेती हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने सूजी डाल दी है, उसके ऊपर डाल दिया है हमने मलाई। अब हम इस सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इसी में मेरी मम्मी ने नमक डाल दिया है, स्वाद अनुसार डालना है आपको नमक। मिक्स करने से पहले हमें नमक मिक्स कर लेना है और यहीं पे डाल देंगे स्पाइसनेस, थोड़ी सी लाल मिर्च चुटकी भर डालनी है आपको। अब इसको इस तरीके से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल ग्रीन, रेड, पिंकिश, कितना अच्छा लग रहा है कलर। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेड पिज्जा, झटपट से तैयार हो जाता है। आप इसको स्नैक्स में भी खा सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये देखिए सारी चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब चलिए हम हमारा ब्रेड पिज्जा बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने ब्रिटानिया की ब्रेड ली है, आप चाहें तो किसी कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ब्रेड पे आपको लेयर वाइज लेयर इसको लगाना है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मेरी मम्मी ने चारों तरफ ब्रेड को जो है कवर कर दिया है हमारे सूजी के बैटर से। ये देखिए, आप चाहें तो इस पे चीज भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी जो है लगता है ये, क्योंकि हमने इस पे मलाई यूज की है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी दोनों तरीके के ब्रेड पिज्जा आपको बना के दिखाएंगी, चीज के साथ भी और विदाउट चीज के साथ भी। यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसे हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है और अब हम इसकी जो फ्लेम है लो कर देंगे। तो चलिए अब हम इस पे रख देंगे हमारा ब्रेड पिज्जा इस तरीके से। अब इसको ऐसे ही पकने देंगे। ये वाला जो है हम चीज के साथ बना के दिखाते हैं आपको, फिर ऐसे ही हम हमारा नेक्स्ट बनाएंगे विदाउट चीज का। ये देखिए, ये हमारा दूसरा रेडी हो रहा है पिज्जा। देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी ने पहले से ही जो चीज है उसको ग्रेट करके रख लिया है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, डाल देते हैं अपने ब्रेड पिज्जा पे। ये देखिए इस तरीके से आपको डालना है। अब इसको पकने देंगे हम करीब 5 मिनट के लिए, फिर हमारा जो है ब्रेड पिज्जा रेडी हो जाएगा। देखिए मेरी मम्मी ने इसको सेकंड साइड से भी एकदम अच्छे से पका लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। तो चलिए इसी तरीके से हम हमारे और भी पिज्जा जो है बना लेते हैं। तो ये वाला अब हमारा बन रहा है बिना चीज का। देखिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं, चाय के साथ खाइए, जूस के साथ खाइए, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगता है और आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं सॉस के साथ। देखिए मेरी मम्मी ने इसको सेकंड साइड से पलट दिया है। अब सेकंड साइड से भी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो दूसरा पिज्जा है विदाउट चीज वो भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारे ब्रेड पिज्जा झटपट से 5 मिनट में एकदम बन करके तैयार हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, लाजवाब। और ये हैं हमारे विदाउट चीज, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको झटपट बनाइए और घर पे खाइए बना के। और मैंने इसको सर्व किया है यहाँ पे टमाटो सॉस के साथ।